तो बच्चों हमें ये जानना है कि क्या किसी वस्तु पर 1.8×10⁻¹⁹ कूलाम आवेश उपस्थित हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हम देंगे आवेश के क्वांटमीकरण पे, यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। तो किसी वस्तु पर जो उपस्थित आवेश हो सकता है वो हो सकता है q=ne+-ne। अब देखिए यहाँ पर धन है तो हम सीधे से धन ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन निकले होंगे। तो Q का मान रख लिया 1.8×10⁻¹⁹। N हम निकालते हैं और यहाँ पे 1.6×10⁻¹⁹। हमने यह जान लिया कि मान लीजिए इस वस्तु में से N इलेक्ट्रॉन निकले तभी इतना आवेश आ गया। और N क्या है, N एक पूर्णांक होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो N का जो मान आएगा वो आएगा 1.8×10⁻¹⁹ बटे 1.6×10⁻¹। ये 10⁻¹ एक दूसरे को मार देंगे और हम देखेंगे तो ये आएगा 18/16। ये तो पूर्णांक नहीं है। अब अगर ये पूर्णांक नहीं है तो ऐसा मान संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि एक आधा इलेक्ट्रॉन अंदर है आधा बाहर घूमने चला गया। क्या यह कभी देखा है कि एक क्लास में आधा लड़का या आधा लड़की अंदर बैठी हुई है और आधी लड़का और आधा लड़की बाहर घूम रही है? ऐसा संभव नहीं है। तो यहां पर भी यही परिस्थिति है। हम इसे हल करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, देखो 2 से जाएगा ना, तो 2 निम्मा 18 और 8 दुनी 16, यह पूर्णांक नहीं है। तो यह मान संभव ही नहीं है। तो हमने देखा आवेश के ऊपर, आवेश के क्वांटमीकरण के ऊपर कुछ प्रश्न। देखिए इसी तरीके के प्रश्न जो है ये हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग, यानी कि मूलभूत जो हमारी समझ है उसको बनाते हैं।